दोस्तों, आज की मीटिंग की शुरुआत भी एक शानदार कहानी के साथ। एक बार क्या होता है, गुरु जी का एक आश्रम होता है। पहले क्या होता था, लोग पहले माँ बाप बहुत स्मार्ट थे, वो बच्चों को भेज देते थे आश्रम में, जाओ सब कुछ सीख के बड़े होके वापिस आना, कोई टेंशन नहीं। अभी तो देखिए, माँ बाप को बच्चों का होमवर्क करना पड़ता है, दुनिया भर की चीजें, जैसे लग रहा है कि हम खुद पढ़ाई कर रहे हैं। तो पहले क्या था कि माँ बाप आश्रम में भेज देते थे बच्चों को, और बच्चे वहां पे रहते थे, गुरु की सेवा करते थे, सब कुछ सीखते थे, श्रम करते थे, व्यायाम करते थे और पढ़ाई भी करते थे, और तैयार होके वहां से वापिस आते थे। तो एक गुरु जी थे, उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाने के लिए एक जबरदस्त एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अपने बच्चों को कहा कि आज मैं आपको जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा सिखाने वाला हूँ, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये पत्थर जो है इसको बेच के आना है। अब वो पत्थर कोई आम पत्थर नहीं था, बहुत ही खास पत्थर था, एकदम चमकीला पत्थर था। तो गुरु जी ने कहा कि आपको इसको बेच के नहीं आना है, इसकी कीमत निकाल के आना है, इसकी एग्जिट कीमत क्या है। अगर आपने इसकी सही कीमत निकाली तो मैं मानूंगा कि भी आप अभी पूरी तरीके से प्रशिक्षित हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। तो वो चार पांच बच्चों का ग्रुप था, बड़े थे, 15-16 साल के। उन्होंने उस पत्थर को, चमकीले पत्थर को हाथ में देखा, बहुत ही अजीब पत्थर था, बहुत ही शानदार पत्थर था, जैसे कोई डायमंड हो ऐसा पत्थर था। उस पत्थर को लेके सबसे पहले आश्रम से बाहर निकले, तो बाहर एक आदमी सब्जी बेच रहा था, तो वहीं पे उन्होंने ट्राई किया कि भाई साहब ये पत्थर आप खरीदेंगे? सब्जी वाला बोलता है, भाई हमारे किस काम का ये पत्थर, हमारे किसी काम का नहीं है, तो फिर भी देख लीजिए इतना बढ़िया है, चमकदार है। बोला ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप देना ही चाहते हैं तो मैं इसके बदले आपको ज्यादा से ज्यादा 1 किलो आलू दे सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं इसकी कीमत नहीं दे सकता। तो क्या कीमत होगी 1 किलो के आलू की? मान लीजिए 20 रुपया, तो 20 रुपया मैं आपको दे सकता हूँ। बोला ठीक है, हमें बेचना नहीं है, ऐसा करके वो आगे निकल गया। आगे निकल गया तो एक दुकान में पहुंच गया। अब उस दुकानदार, थोड़ा बड़ा दुकान था, उसको जाके बोलते हैं, भाई साहब ये देखिए पत्थर है, बढ़िया है, आपके टेबल पे पड़ा रहेगा, चार लोग देखेंगे, अच्छा दिखेगा, आप इसको खरीद लीजिए। दुकानदार बोलता है, देखो भाई ऐसे तो हमारे किसी काम का नहीं, लेकिन दिखने में अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं, रख दीजिए, मैं आपको इसका 100 रुपया दे दूंगा। तो बोला ठीक है। बोला क्या हुआ? बोला नहीं, 100 रुपये में हम नहीं बेचेंगे, ऐसे करके आगे चले गए, बड़े व्यापारी के पास गए। अब वहां पे उसका छोटा बच्चा भी आया हुआ था, बच्चे को पत्थर पसंद आ गया, बोला पापा मुझे पत्थर चाहिए ही चाहिए। तो व्यापारी बोला, ये तो हमारे किसी काम का नहीं, लेकिन बच्चे को पसंद आ गया तो मैं 500 रुपया दूंगा इसका, उससे ज्यादा नहीं दे सकता। बोला ठीक है, कोई बात नहीं। उससे आगे जब पहुंचे तो एक जौहरी की दुकान में गए। अब जौहरी तो जौहरी है, वो तो डायमंड को देख के पहचान जाएगा। उसने देख के बोला कि भाई ये तो डायमंड है, इसकी कीमत तो लाखों रुपया है, मैं आपको इसकी 50 लाख रुपया कीमत दे सकता हूँ। अब बच्चे हो गए परेशान, बोला यार ये चीज है क्या, ये डायमंड है, पत्थर है, खिलौना है क्या, इसकी कीमत 20 रुपया है, 50 है, 500 है, 100 रुपया है, कि फिर इसकी 50 लाख है। उसको लेके बच्चे वापस भागे, गुरु जी के पास गए और गुरु जी को कहा कि गुरु जी समझ नहीं आ रहा इसकी कीमत क्या है। हम एक सब्जी तरकारी वाले के पास गए तो उसने बोला कि भाई 1 किलो आलू दे दूंगा, यानी कि 20 रुपये में खरीदूंगा। किसी ने बोला 50 रुपया दूंगा, किसी ने बोला 500 रुपया दूंगा, किसी ने बोला मैं 50 लाख दूंगा। तो इसकी हकीकत में कीमत क्या है, इसकी रियल में कीमत क्या है? तो गुरु जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि देखिए, इस पत्थर की हकीकत में कीमत क्या है, ये इस बात पे डिपेंड करता है, इस बात पे निर्धारित है कि आप इसको कहाँ पे बेचते हो। अगर आप इसको सब्जी वाले को बेचोगे तो इसकी कीमत 20 रुपये, अगर आप इस दुकान वाले को बेचोगे जिसने 50 रुपया दाम लगाया था तो इसकी कीमत 50 रुपये, आप उस व्यक्ति को बेचोगे जिसने 500 रुपया कीमत लगाई तो इस पत्थर की कीमत 500 हो गई, ये 500 रुपये का हो गया। लेकिन अगर आप इसे सही जगह पे लेके जाते हैं, जौहरी के पास, जिसको इसकी पहचान है, तो ये 50 लाख। तो ये तुम्हारा जीवन भी बिल्कुल इस पत्थर की तरह है। अगर तुम 5,000 रुपये की नौकरी करोगे तो तुम्हारा कीमत हो गया 5,000, अगर तुम 10,000 रुपये की दुकान चलाओगे तो तुम्हारी कीमत होगी 10,000 रुपया, अगर तुम 1 लाख कमाने का कोई काम करोगे तो तुम्हारी कीमत होगी 1 लाख रुपया, और अगर तुम जीवन में ऐसा कोई काम करते हो जहां से तुम 1 करोड़ रुपया कमा सकते हो तो तुम्हारे जीवन की कीमत भी 1 करोड़ रुपया हो सकती है। तो आप अपने जीवन में अपने समय को कहाँ पे लगाते हैं, दुनिया में सबको एक सरीखा समय मिला है, वो समय आप कहाँ पे लगाते हैं इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी इनकम क्या होगी, आप अपनी वैल्यू कैसे आंकते हैं और हम अपनी वैल्यू को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत ही शानदार कहानी है, ये कहानी आपको अपने घर में अपने बच्चों को भी सिखानी चाहिए, उनको भी सुनानी चाहिए, जिससे उनको भी पता चले कि भाई मुझे अपने जीवन का मूल्य खुद बढ़ाना है और मुझे अपने आप को सही जगह पे प्रेजेंट करना है, जहां पे मेरी जितनी वैल्यू है उस हिसाब से मैं अपने जीवन में पैसा कमा सकूं,
और अपने परिवार को जिंदगी दे सको। दोस्तों हमारा जो टॉपिक है आज का वो मेरे पिछले मंगलवार के टॉपिक से रिलेटेड ही है। पिछले मंगलवार मैंने बात किया था सिस्टम का निर्माण कैसे करें, और उस मीटिंग में हमने आपको ये बताया था कि सिस्टम क्यों जरूरी है, सिस्टम क्या होता है और सिस्टम कैसे बनता है। ठीक है, इन चीजों के ऊपर हम लोगों ने बातचीत की थी। मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए थे, मैंने आपको बोला था कि भाई दो प्रकार के स्कूल होते हैं, एक स्कूल में अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है तो वहां पे पढ़ाने का एक सिस्टम है, और दूसरे स्कूल में कोई सिस्टम नहीं है तो आप अपने बच्चे को कहाँ पे दाखिला कराएंगे जहाँ पे बढ़िया सिस्टम है। मैंने आपको ये भी एक हॉस्पिटल के एग्जाम्पल से भी बताया था कि अगर आपको मान लीजिए कोई छोटा मोटा ऑपरेशन कराना है, आप दो चार हॉस्पिटल जाते हैं तो आप उस हॉस्पिटल में जाके आप दाखिला कराएंगे जहां पे आपको लगता है कि ये लोग का काम करने का सिस्टम बहुत अच्छा है। तो आप जो है वो डॉक्टर के नॉलेज को नहीं देख सकते हैं, आप डॉक्टर के काम करने के तरीके को देख सकते हैं। आप किसी टीचर का नॉलेज को नहीं देख सकते लेकिन उसके पढ़ाने के तरीके को देख सकते हैं, और ये जो तरीका है यही है सिस्टम, और वो सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग जो हमारे साथ जुड़ते हैं उनको समझ में आए कि माई रिचर्ज एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से बहुत लोग आगे बढ़ चुके हैं, अगर लोग आगे बढ़ चुके तो वो भी आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार का विश्वास का क्रिएट होता है जब एक सिस्टम आप वहां पे क्रिएट करते हैं। तो मैंने बताया था कि जिनको इस बिजनेस में सीरियसली 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में आगे बढ़ना है उन लोगों के लिए एक सिस्टम है। मैं इस वक्त डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट के आसपास हूँ, मेरा अभी यहाँ से फ्लाइट है, मैं आगे जा रहा हूँ। कल और परसों 2 दिन हम लोगों ने 1 डे वर्कशॉप किए हैं। पहला दिन संडे का दिन हम लोगों ने लखीमपुर में वर्कशॉप किया, उसके बाद मंडे का दिन हम लोगों ने नारायणपुर में वर्कशॉप किया। तो मैं वहां पे एक ट्रेनिंग दे रहा था कि भाई इस बिजनेस में 5 साल की गेम है, पहला 1 से 1.5 साल आपको सीखने में लगता है, उसके बाद आप जब सीख जाते हैं तो आप टीम बनाना शुरू कर देते हैं, मतलब आपकी टीम बनना शुरू कर देती है सभी जगह पे। तो 1 से 1.5 साल के बाद दूसरा जो पीरियड होता है वो टीम बिल्डिंग फेज होता है, और लगभग 3 साल के बाद आपकी इनकम जो है वो 1 लाख के आसपास चली जाती है। तो मेरे सामने एक लड़का बैठा है, हमारे जबरदस्त लीडर है, डबल डायमंड डायरेक्टर अबू सामा जी, तो उन्होंने हाथ ऊपर कर दिया। मैं बोला हाँ सर बोलिए। बोला सर मुझे 3 साल हुआ है और मेरा पिछले महीने का इनकम 99,000, मतलब मैं जो बात वहां पे बोर्ड पे बता रहा हूँ वो प्रैक्टिकल सामने बैठा है। ठीक है, तो इसी तरीके से सिस्टम काम करता है। जब हम सिस्टम से काम करते हैं तो हमारी इनकम मल्टीप्लाई होती जाती है, ग्रोथ हमारे बिजनेस का एक रेगुलर पार्ट बन जाता है। और सबको ग्रोथ चाहिए, आपको ग्रोथ चाहिए, मुझे ग्रोथ चाहिए, कंपनी को ग्रोथ चाहिए, आपके साथ जुड़ने वाले हर व्यक्ति को ग्रोथ चाहिए, दुनिया में हर व्यक्ति को ग्रोथ चाहिए। ठीक है ना, तो ग्रोथ कब आता है, जब हम सिस्टम से काम करते हैं, तो उसके ऊपर हमने बातचीत की थी। फिर मैंने आपको ये बताया था कि आप सिस्टम से काम करते हैं कि नहीं कैसे पता चलेगा, तो उसमें मैंने आपको कुछ सवाल पूछे थे कि भाई आपकी टीम में रेगुलर बेस पे जो लोग नए ज्वाइन करते हैं उनके लिए कोई ट्रेनिंग की सुविधा है या नहीं, हर 15 दिन में जो लोग नए जुड़ते हैं उनके लिए कोई ट्रेनिंग की सुविधा है या नहीं। देखिए आज हम लोग पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से जूम मीटिंग लगातार कर रहे हैं, कई बार मैं आया हूँ, कई बार हमारे टॉप लीडर्स आए हैं, कई बार एमडी सर तो लगातार आते हैं हमारे साथ और हमें सिखाते हैं। हम लोगों ने कई बार प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग की, कई बार हम लोगों ने टेस्टिमोनियल्स किए, और हम लोगों ने ऑनलाइन सेमिनार भी शुरू किया शनिवार के दिन। लेकिन जो व्यक्ति आज 7:30 बजे बाद ज्वाइन करेगा ना, यहाँ से आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद जो व्यक्ति माई रिचर्ज ज्वाइन करता है ना, वो तो कोरा कागज है, उसको तो कुछ नहीं मिला अभी तक, उसको सब कुछ चाहिए। इसीलिए ये कंटिन्यूअस सिस्टम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार हम लोग सोचते सर एक बार सेमिनार कर लिया 3 महीने बाद करेंगे, एक बार ट्रेनिंग कर लिया आप 3 महीने बाद करेंगे, तो इसलिए मैं कहता हूँ हर 15 दिन में नए लोगों को ट्रेनिंग मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद सेमिनार पे हमने बातचीत की थी कि भाई आपकी टीम में ओपन सेमिनार या फिर वीकली सेमिनार इस टाइप की चीजें होती है या नहीं होती है। इसको वीकली सेमिनार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको हर हफ्ते करना चाहिए। यहाँ पे मैंने आपको छोटी छोटी बातें बताई थी कि आप 20 लोगों का मीटिंग भी करना चाहे तो कर सकते हैं, आप 30 लोग का कीजिए, जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े बड़े हॉल बुक करके 500 लोगों की मीटिंग करें। कोई आदमी बोलता है सर मैं ना एक बार जब डॉक्टर बनने का एडमिशन लूंगा ना तभी पढ़ाई करने के लिए जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। पहले आपको आंगनबाड़ी जाना पड़ेगा, फिर प्राइमरी स्कूल जाना पड़ेगा, फिर सेकेंडरी, फिर हायर सेकेंडरी, उसके बाद आप जो है मेडिसिन में एडमिशन ले सकते हैं। तो जीरो से, छोटे से आप लोग शुरू कीजिए, हर हफ्ते आप लोग सेमिनार कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल नहीं करते तो पहले महीने में एक बार कीजिए, 15 दिन में एक बार कीजिए तो महीने में 2 बार हो गए, फिर आप इसको वीकली जा सकते हैं, फिर आने वाले टाइम में तो आप अपनी टीम में मल्टीपल टीम में इसको वीकली कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपकी टीम में हर 45 डेज में ट्रेनिंग होता है कि नहीं होता, हर 45 डेज में। देखिए मैं एक चीज को बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि आपके दिमाग में अगर अगली इवेंट का कोई डेट नहीं है तो वो जो जगह खाली पड़ा रहेगा वहां पे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव थॉट आएंगे।
जब टीम में कोई नेक्स्ट इवेंट अनाउंस हो जाता है तो पूरी की पूरी टीम उस इवेंट को लेके अपने दिमाग में प्लानिंग शुरू कर देती है कि भाई अगला इवेंट इस तारीख को है, अगला इवेंट इस तारीख को है, मुझे इतने लोग को लेके जाना है, मुझे ये करना है, मुझे ये रैंक पे जाना है, मुझे ये करना है, वो करना है, इसको लेके जाना है, उसको लेके जाना है। लेकिन जब अगला इवेंट का डेट आपका कोई भी अभी फिक्स नहीं है तो उस सिचुएशन में आपकी जो टीम है उनके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स के सिवा कोई दूसरी चीज नहीं आ सकती। इसीलिए इवेंट टू इवेंट बिजनेस को बिल्ड करना है। जैसे कि इस इवेंट में मैं 5 लोगों को लेके गया तो 45 डेज बाद जो मेरी इवेंट हो रही है उसमें मुझे 10 या 12 लोगों को लेके जाना है। उस इवेंट में मैं 12 लोगों को लेके गया तो उसके बाद जो इवेंट हो रही है उसमें मुझे 20 या 25 लोग को लेके जाना है। उसके बाद मेरी जो इवेंट हो रही है उसमें मुझे 35 या 40 लोग को लेके जाना है। उसके बाद मुझे 100 लोग की इवेंट अपनी खुद करनी चाहिए। इसको बोलते हैं इवेंट से इवेंट बिजनेस को बिल्ड करना। कई बार हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस वॉल्यूम को ट्रैक करते हैं, लेकिन सिर्फ बिजनेस वॉल्यूम को ट्रैक नहीं करना चाहिए, लोगों को भी ट्रैक करना चाहिए। एमडी सर बोलते हैं कि माई रिचार्ज लोग कमाने का बिजनेस है। आप लोग कमाते हैं कि नहीं, लोग कमाइए पैसे अपने आप मिल जाएंगे। कितने लोग हैं जिनको आपने कमाया है कि सर ये वो लोग है जिनके अंदर मैंने एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट किया है, माई रिचार्ज के प्रति बिलीफ सिस्टम और मेरे प्रति बिलीफ सिस्टम, कि अगले 3 साल 4 साल इस सिस्टम के साथ काम करेंगे तो हम इस बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे। तो मैंने ये लोग कमाए हैं, जिन लोगों ने पैसे कमाए हैं ना उन्होंने हकीकत में लोग कमाए। तो सिस्टम क्या है कि भाई इवेंट से इवेंट आप अपने बिजनेस को बिल्ड करें। ग्रोथ सिर्फ बिजनेस वॉल्यूम में ना देखें, ग्रोथ सिर्फ पैसों में ना देखें, ग्रोथ नंबर ऑफ पीपल में भी देखें कि मेरी टीम में लोग बढ़ रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो ये 3 4 सवाल मैंने आपको पूछे थे। उसके बाद और डीप में जाके मैंने आपको पूछा था कि आपकी टीम में रेगुलर बेस पे लिस्ट बिल्डिंग की मीटिंग्स होती है कि नहीं होती, आपकी टीम में प्लानर्स की अलग से मीटिंग होती है कि नहीं होती है, आपकी टीम में प्लानर्स की कंपटीशन होती है कि नहीं होती है। एक व्यक्ति जो प्लानर कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लेता है ना उसका प्लान पहले से 4 गुना धारदार हो जाता है। ये वही वाली कहानी है कि भाई एक आदमी मजदूर था, वो पेड़ काटने का जॉब करने के लिए गया तो पहले दिन उसने 12 15 पेड़ काट दिए, सबसे ज्यादा पेड़ उसी ने काटे। उसको लगा मैं तो बड़ा समझदार हूँ, मैं तो बड़ा ताकतवर हूँ, मैं सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा हूँ। लेकिन दूसरे दिन वो 11 पेड़ काट पाया, तीसरे दिन वो 10 पेड़ काट पाया, एक हफ्ते बाद वो देख रहा है तो पूरे दिन सुबह से शाम मेहनत करा है, बड़ी मुश्किल से एक पेड़ काटा। तो वो परेशान हो गया, उसने उस व्यक्ति को जाके पूछा जो 10 साल से पेड़ काट रहा है कि भाई साहब आप रोज कितने पेड़ काटते हैं। बोला मैं रोज के 10 पेड़ काट। तो आप रोज 10 पेड़ काट लेते हैं? बोला बिल्कुल काट लेते। इसका रहस्य क्या है? मेरे पूरे दिन में एक पेड़ नहीं कट रहा है। बोला कि तुमने अपनी कुल्हाड़ी को धार कब लगाई थी, आखिरी बार अपनी कुल्हाड़ी को धार कब लगाई? बोला वो तो जिस दिन आया था उस दिन ही लगाई थी। बोला अगर आप रोज 10 मिनट कुल्हाड़ी को धार लगाएंगे तो आप रोज 10 पेड़ काट सकते हैं। तो बिल्कुल उस तरीके से हमें कंटिन्यूअसली लगातार सीखने की जरूरत है। तो जैसे कॉमन सेमिनार हो रहा है, कॉमन ट्रेनिंग हो रहा है, वहां पे तो नए लोगों को लेकर भी बातचीत होगी, तो प्लानर्स को लेकर अलग से कॉम्पिटिशन होगी, प्लानर कॉम्पिटिशन। ठीक है, फिर आप लोग फॉलोअप को लेकर मीटिंग कर सकते हैं, प्रोस्पेक्टिंग को लेकर भी लोगों से बात कैसे करेंगे, प्रैक्टिस मीटिंग हो गया। उसके बाद लिस्ट बिल्डिंग, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा वाइटल है लिस्ट बिल्डिंग। और लिस्ट हर कोई बनाता है। ये जो आपको फोन आते हैं ना, सर आपको लोन चाहिए, आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, आपको ये चाहिए, आपको वो चाहिए, वो सबके पास लिस्ट होता है, हजारों लोगों का लिस्ट होता है। उनको दिन में 500 500 हजार हजार फोन करने होते हैं और उनका लो एवरेज आप देखोगे तो पागल हो जाओगे। कितने लोग फोन उठाते नहीं है क्योंकि ट्रू कॉलर में आ जाता है कि भाई इसके लिए कॉल है तो सीधे लोग काट देते हैं, बहुत लोग ब्लॉक कर देते हैं, बहुत लोग फोन उठा के गुस्सा करते हैं, बहुत लोग फोन उठा के छोड़ देते हैं। कितना लोगों से फोन करते हैं तब जाके कोई बात करता है। हर फोन में सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उसको चोट पहुंचती है, लेकिन उन लोग को ट्रेनिंग इतनी शानदार दी जाती है कि आप जो है बिल्कुल चिंता मत कीजिए, लोग आपके ऊपर गुस्सा नहीं कर रहे, लोग तो कंपनी के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं जो कंपनी आपको नौकरी भी दिया है। ऐसा ऐसा करके उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है और वो लोग दिन में कितने कॉल करते हैं, लिस्ट तो उनको भी बनानी पड़ती है। तो जो टीम में बैठ बैठ के लिस्ट बिल्डिंग होता है, अपना टीम के साथ बैठ के लिस्ट बिल्डिंग होता है, वो टीम में कभी भी लोगों की कमी नहीं होगी, वहां पे ग्रोथ लगातार होगा। और हमारा प्लान इतना शानदार प्लान है, यहाँ पे जब ग्रोथ होता है तो पैसों की बारिश होती है दोस्तों। तो ये सारी चीजें मैंने पिछली मीटिंग में बात की थी। अब इसको शुरू कैसे करें वो इस मीटिंग में मैं आपसे बात करूंगा कि भाई ये जो सिस्टम है इसका आधार क्या है, इसका बैकबोन क्या है। इसका बैकबोन है हमारा सेमिनार। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो थोड़ा मैं डिटेल में जाने वाला हूँ सेमिनार के बारे में। सेमिनार कब करे, कैसे करे, क्यों करे, वो तो हमने देख लिया। ठीक है, कितने लोगों का करे, कैसे इसको ऑर्गेनाइज करें, कैसे इसको और बढ़िया तरीके से शानदार तरीके से करें। और मैं एक हमारे लीडर है उनके साथ आपको रूबरू भी कराऊंगा, क्योंकि जो प्लानिंग मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो प्लानिंग मैंने लगभग उनके साथ 1 महीने 1.5 महीने पहले शेयर की थी।
और पिछले 1.5 महीने में उन्होंने एक या दो सेमिनार किया है, वो पहले से अलग हुआ नहीं हुआ, ज्यादा लोग आए कम लोग आए, रिजल्ट आए, वो हम एक बार देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले सेमिनार जो है वो कौन कर सकता है? अगर आप एक रॉयल्टी होल्डर है और आपके अपलाइन कोई सेमिनार को प्लान कर रहे हैं तो उसमें आपको शामिल हो जाना। देखिए, बातों का गलत मतलब भी नहीं निकालना है कि सर मैं तो रॉयल्टी होल्डर हूं तो मैं अपने अपलाइन के सेमिनार में नहीं जाऊंगा, चेतन सर ने बोला है 20 लोगों का अलग से सेमिनार करो। चेतन सर ने ऐसा नहीं बोला है भाई कि 20 लोग का अलग से सेमिनार करो, लेकिन आप एक ऐसे रिमोट लोकेशन पे हो जहां पे कोई सेमिनार नहीं हो रहा है तो आपको किसी के आने का इंतजार नहीं करना है, आप अपनी टीम को लेके 20-30 लोगों का सेमिनार भी कर सकते हैं, 50 लोग का सेमिनार भी कर सकते हैं। लेकिन आपके अपलाइन, आपके जो सिस्टम है, अगर वो कोई प्लान कर रहे हैं तो हमें उसका हिस्सा बनना है, हमें टीम का हिस्सा बनना है। लीडर कौन है? जो टीम का हिस्सा है, ठीक है ना। लीडर वो नहीं जो टीम के हिस्से करता है, लीडर वो है जो टीम का हिस्सा है। तो सबसे पहले आपके अपलाइन के द्वारा जो प्लानिंग किया जाता है आपका जगह पे, उस प्लानिंग को आपको उसमें शामिल हो जाना है। जब भी कोई सेमिनार हम लोग करते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा वाइटल चीज क्या होती है, उसका पहले से प्लान कर, आप कितने दिन पहले से उसको प्लान करते। अब आप में से कई सारे लीडर ऐसे हैं जो सेमिनार कंटिन्यूअसली करते हैं, लेकिन कुछ हमारे साथ ऐसी है जो इस मीटिंग से, पिछले मंगलवार और इस मंगलवार की मीटिंग से उनको लग रहा है कि उनको भी अब सेमिनार खुद करने चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, एक बात आपको बता दूं, आप कितने भी सेमिनार करो लोग खत्म नहीं हो गए। अगर आपको ऐसा डर है कि सर मैं तो मालदा में रहता हूँ या मैं कलकत्ता में रहता हूँ या मैं सिलीगुड़ी में रहता हूँ, मैं इतने सेमिनार कर दूंगा लोग सबको मेरी इज्जत पता चल गया तो लोग खत्म हो गए, तो लोग कभी खत्म होने वाले नहीं है। आपका पूरा जीवन भी चला जाए, मेरा पूरा जीवन भी चला जाए, फिर भी लोग खत्म होने वाले नहीं है। 140 करोड़ की आबादी है आज इंडिया की, सिर्फ इंडिया की हम लोग बात कर रहे हैं, 140 करोड़ की आबादी है, उसमें 139 करोड़ लोगों को माई रिचर्ज का नाम भी नहीं पता है। मतलब 1% लोग भी है नहीं है जिनको अभी तक हम, जहां तक हम पहुंचे हैं, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा मैदान खाली है। तो आपको ये डर निकाल देना है कि मैं धड़ाधड़ सेमिनार करूंगा सबको पता चल जाएगा फिर ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। आप में जितनी ताकत है उतनी ताकत लगा दीजिए, समंदर का पानी कभी खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो आप सेमिनार कर सकते हैं, लेकिन पहला नियम है कि कभी भी कोई इवेंट करे तो अपनी टीम को शामिल करके करे। आपके जो मेन मेन लीडर है, खास करके जो की पर्सन होते हैं, कई बार वो रॉयल्टी होल्डर होते हैं, कई बार वो रॉयल्टी नहीं भी होते हैं लेकिन बहुत एक्टिवली होते हैं और बहुत जल्दी रॉयल्टी होल्डर बनने वाले होते हैं, ऐसे 5-10 लोगों के साथ बैठ के प्लान करें, अकेले अकेले ना करें कि चलो भाई मैंने एक सेमिनार रखा है सबको आ जाना है, ये हो गया बॉस। बॉस नहीं बनना है हमको, लीडर बनना है। तो टीम के साथ बैठे और इसको एक जबरदस्त रूप में प्रमोट करें कि चलिए हम लोग मिलकर एक शानदार सेमिनार का आयोजन करते हैं। और जब भी आप प्लानिंग करते हैं तो कम से कम 15-20 दिन पहले प्लान करें। मैं अभी यहाँ से खत्म करके मेघालय जाने वाला हूँ, वहां पे एक वन डे वर्कशॉप है, उसके बाद मैं दीघा में जाने वाला हूँ। दीघा में हमारा इवेंट है 23, 24, 25, 2 नाइट 3 डे का वर्कशॉप है, उसको किशोर जी और अभिजीत नंदी सर मिलके ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वर्कशॉप का लास्ट टिकट बुक हुआ है 22 जनवरी को, प्रोग्राम है 23 फरवरी को और लास्ट टिकट बुक हुआ है कब? 22 जनवरी को, 1 महीना और 1 दिन पहले बोला कि भाई टिकट बुक है आप नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं प्रॉपर प्लानिंग, ठीक है ना। तो प्रॉपर प्लानिंग से, ये नहीं कि भाई चलो आज कौन सा वार है, चेतन सर ने बोला मंगलवार है, इस संडे को सेमिनार। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आप भीड़ इकट्ठा करने में फेल हो जाए, ठीक है। तो पहला नियम है अपनी टीम के साथ बैठे आयोजन करें, और दूसरा नियम है कम से कम 15-20 दिन पहले से जो है इसका प्लानिंग किया जाए। अब आपका सेमिनार में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि लोग आने चाहिए, शादी है बारात है तो बाराती चाहिए, अकेला दूल्हा जाएगा तो शादी होगी नहीं, ठीक है ना। तो लोग आने चाहिए, और कितने लोग को आप टारगेट कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा वाइटल है। जैसे मान लीजिए अगर आप 100 लोग इकट्ठा कर सकते हैं तो 100 लोग आने चाहिए, अगर आप 4 लोग का सेमिनार, 5 लोग का, ये कोई सेमिनार दिया तो फिर छोटा सा मीटिंग हो गया। कई बार कुछ टीमें बहुत प्लानिंग कर करके सेमिनार करती है, फिर मैं उनसे बात करता हूँ कि सर आपकी मीटिंग में कितने लोग आए थे, बोला सर 60 लोग आए थे, अच्छी बात है, लेकिन नए लोग कितने हैं, बोला सर नए लोग 6 से 7 थे। तो फिर क्या मतलब है, हम सेमिनार करते क्यों? देखिए सेमिनार जो है ना वो एक रूप में बड़ा प्लान शो है, जैसे एक आदमी 1-to-1 प्लान करना शुरू करता है तो एक एक आदमी को प्लान दिखाता है, फिर उसको कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि सामने 2 लोग बैठ गए, 3 बैठ गए, 4 बैठ गए, तो 1-to-1 में भी 4 लोगों को प्लान दिखा रहा है वो।
फिर उसको कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मुझे माय रिसर्च के प्लान को लेकर सब कुछ क्लियर है, कोई कुछ भी सवाल पूछेगा मुझे इसका जवाब पता है, और मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं अगर 10 लोग के सामने बैठ के तो 4-5 को ज्वाइन करा दूंगा। तब वो होम मीटिंग में चला जाता है। तो 1-to-1 से फिर प्रमोशन हो गया होम मीटिंग। होम मीटिंग में क्या हो गया, किसी एक व्यक्ति के घर पे उसने 10, 12, 15 लोग इकट्ठा किया, मैं वहां पे गया, प्रोडक्ट का डेमो किया, प्लान किया, इसको बोलता है होम मीटिंग। स्मार्ट वर्क हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया काम। इससे आगे है टीम मीटिंग। एक जगह पे मैंने 5 अपना हार्ट लाइन को बोला कि आप अपना दो दो तीन तीन लोग लेके पहुंचो। टीम मीटिंग एक प्रकार का होम मीटिंग है, लेकिन उसमें किसी एक व्यक्ति के कॉन्टेक्ट नहीं होते, पूरी टीम मिलके वो उसको प्लान करती है। ये हो गया टीम मीटिंग। इसको आप ग्रुप मीटिंग भी बोल सकते हैं, टीम मीटिंग भी बोल सकते हैं। अब सेमिनार जो है वो बड़ी टीम मीटिंग है, और कोई नहीं है, कोई नई चीज नहीं है। सेमिनार क्या है, वो एक बड़ी टीम मीटिंग है। तो वहां पे हमारा टारगेट क्या है कि ज्यादा से ज्यादा नए लोग हमारे वहां पे आए, जिन्होंने पहले से प्लान देखा है ज्वाइन नहीं किया, जो प्लान देखा है ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, जिन्होंने प्लान देखा ही नहीं है बिल्कुल नए वो भी आ सकते हैं। अच्छा, जिन्होंने प्लान देखा अभी अभी ज्वाइन किया है वो भी आ सकते हैं, उनको हमारा कल्चर पता चलेगा, हमारे बिजनेस के बारे में और भी जानकारी मिलेगी, और भी लोगों को देखेंगे कि कौन कौन मेरी तरह इस कंपनी को ज्वाइन किया है। तो लोग आने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास एक अच्छी खासी टीम है, मान लीजिए 10-15 रोलिटी होल्डर है, 10-15 लीडर है आपके पास, तो आपको एक कमिटी बनानी है, इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग कमिटी। ठीक है, ये कमिटी में कोशिश कीजिए कि हर व्यक्ति को शामिल करें। इसमें ऐसा नहीं है कि सर ये स्टेज पे अच्छा बोलता है इसको कमिटी में लेते हैं, इसको नहीं लेते, ऐसा नहीं, पार्शियलिटी नहीं करनी। ठीक है, कमिटी में सबको लेना है। देखिए, क्रिकेट का टीम बनता है, उसमें हर प्रकार का खिलाड़ी होता है। एक आदमी पूरा दौड़ के आता है, जोर से गेंद को फेंकता है, इतना स्पीड से फेंकता है कि बैट्समैन को दिखता नहीं, वो बॉलर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोई बॉलर उधर खड़े खड़े ऐसे गुगली फेंकता है ना कि गेंद टप्पा खा के इधर जाएगी इधर जाएगी, वो भी बॉलर को समझ नहीं आता है। वो भी जरूरी है, तेज फेंकने वाला भी चाहिए, स्पिन फेंकने वाला भी चाहिए, हर गेंद पे छक्का मारने वाला भी चाहिए, और 20-25 गेंद में 1 रन मारने वाला भी चाहिए, हर प्रकार के खिलाड़ी चाहिए। तो टीम में कुछ लोग बहुत तेजी से काम करते होंगे, कुछ लोग धीमे धीमे काम करते होंगे, कुछ लोग पार्ट टाइम करते होंगे, कुछ लोग फुल टाइम भी करते होंगे, कुछ लोग नए होंगे, कुछ लोग पुराने होंगे, कुछ लोग रॉयल्टी होल्डर बन चुके होंगे, कुछ लोग बनने वाले होंगे। आप कोशिश कीजिए कि जितने भी की पर्सन है वो सब लोग को आप कमिटी में यहाँ पे शामिल करें, और पूरा टीम मिलकर डिसीजन ले कि चलिए मिलके एक सेमिनार का प्लानिंग करते हैं। उसका डेट फाइनल किया गया। फिर अब यहाँ पे ये जो कमेटी है ना, उसमें अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी देनी चाहिए। जैसे एक होता है बुकिंग कमेटी, कि भाई ये 2 लोग का काम है होल ढूंढना, ये होल ढूंढेंगे, होल को बुक करेंगे, इनका ही काम है, ये 2 लोग को जिम्मेदारी दी गई। फिर 2 लोग है प्रोजेक्टर लैपटॉप कमेटी। अब इसमें किसको रखना है, जिसको प्रोजेक्टर कनेक्ट करना आता है, जिसको लैपटॉप का नॉलेज है, जिसको ये बेसिक टेक्निकल नॉलेज है ना कि भाई आपको प्रोजेक्टर को आपको देखना है, लैपटॉप आपको देखना है, प्लान पीपीटी कैसे चलेगा, क्या चलेगा, ये सब कुछ आपको देखना है। ठीक है, फिर एक कमेटी होता है साउंड सिस्टम कमेटी, मतलब वो लोग गाना बजाना, म्यूजिक में कब गाना बजेगा, कौन स्टेज पे जाएगा तो कौन सा गाना बजेगा, एंट्री पे, वो सब कुछ वो लोग देखते हैं। ठीक है, फिर एक जो कमेटी होता है वो है प्रिंटिंग कमेटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे इंपॉर्टेंट तो सारे हैं। प्रिंटिंग कमेटी क्या करेगा, वो जैसे हॉल बुक, जो बुकिंग कमेटी है वो जैसे हॉल बुक होगा वो प्रिंटिंग कमेटी को बोलेगा कि चलो भाई हॉल बुक हो गया है, ये डिटेल है, तो वो लोग डिजाइन का रेडी करेंगे कि भाई ये डिटेल है, और सीधा कंपनी में हमारा एक डिजाइन डिपार्टमेंट है, डिजाइन एक myrichard.co.in उसका एक मेल आईडी है। ठीक है, या तो आप एडमिन पे भी मेल कर सकते हैं, डिटेल भेजिए कि हमारा एक सेमिनार है, हमको ऐसा ऐसा बैनर चाहिए, तो वो लोग डिजाइन करके आपको दे देते हैं, और उसको तुरंत ही सारे के सारे ग्रुप में पोस्ट कर देना चाहिए। उसमें पास का भी प्रिंटिंग हो गया, पास भी आप अलग से प्रिंट कर सकते हो, आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे रख सकते हो, आप अपने डीपी पे रख सकते हो, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे सब जगह पे पोस्ट कर सकते हो, सबको पता चल गया कि भाई हमारा टीम एक सेमिनार कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है कि काम डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कई बार मैं देखता हूं कि एक ही आदमी सारे काम करता है, ये ऐसा है कि एक क्रिकेट का मैच में एक ही खिलाड़ी है, वही बॉलिंग करता है, वही बैटिंग करता है, वही गेंद के पीछे भागता है, वही विकेट कीपिंग करता है, वो खुद ही अंपायर है, तो ऐसा मैच कभी होगा नहीं। तो आपको जिम्मेदारी लोगों को बांटनी पड़ेगी, और एक एक को नहीं, दो दो तीन तीन लोग की छोटी छोटी कमेटी बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिए कि आप एक पूरा कैलकुलेशन कीजिए कि भी आपका जो सेमिनार है उस सेमिनार में आपको कितने लोगों को लाने का आपका प्लानिंग है। जैसे मान लीजिए आपका प्लानिंग है कि सेमिनार में 100 लोग आने चाहिए, तो आपको कम से कम 200 पास को प्रमोट करना चाहिए, 200 पास प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि देखिए लो फेवरेट लगता है, और ये कुदरत का खेल कुछ ऐसा है कि जब कोई सेमिनार होता है, जब कोई मीटिंग होता है, सबसे ज्यादा लोग बीमार हो जाते हैं। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं इसको,
मैं तो कोई बड़े से बड़े ज्योतिष को मिलने वाला हूँ कि इसके पीछे का रहस्य क्या है। सर मेरा 4 लोग आने वाला था, 2 लोग बीमार हो गए। सर मेरा 5 लोग आने वाला था, 2 लोग बीमार हो गए। सबसे ज्यादा लोग बीमार होते हैं सेमिनार के दिन, सबसे ज्यादा लोगों के घर पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है सेमिनार के दिन, सबसे ज्यादा लोगों का आसपास में कोई मर जाता है सेमिनार के दिन कि सर उधर कोई मर गया है, 15 लोग आने वाले थे वो नहीं रहेंगे सर करके। तो हमको पहले से ये सभी लोगों को मान सम्मान देते हुए, ठीक है, हमको पहले से ही 200 प्रमोट पास प्रमोट करना है। देखिए लो फेवरेज सब जगह पे लगेगा, उसको आप रोक ही नहीं सकते, ठीक है ना। लो फेवरेज इज एवरीवेयर। आप जितने लोग को बुलाएंगे सब लोग आएंगे नहीं, जितने लोग आएंगे सब लोग ध्यान से बैठेंगे नहीं, जितने लोग ध्यान से सुनेंगे सब लोग जुड़ेंगे नहीं, जितने जुड़ेंगे सब लोग काम नहीं करेंगे, जितने काम करेंगे सब लोग कामयाब नहीं होंगे। और ये सिर्फ मारीचस में नहीं, दुनिया के हर फील्ड में है। लाखों लोग हर साल IAS का एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, कलेक्टर बनने के लिए, कमिश्नर बनने के लिए, पुलिस में जाने के लिए, ठीक है। उसमें से कुछ 3 लाख लोग एग्जाम देते हैं, सब लोग तो देते भी नहीं, बोला नहीं मैं अभी तैयार नहीं हूँ, अगले साल दूंगा। उसमें से कुछ चंद लोग जो है वो मेन एग्जाम देते हैं, और उनमें से कुछ लोग जो है वो फिर पर्सनल इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होते हैं, और उन लाखों लोगों में से 3 या 4 लोग ही IAS या IPS बन पाते हैं। तो उधर भी लो एवरेज है। मैंने एक अखबार में पढ़ा था बहुत साल पहले के, रोज के 200 लड़के लड़कियां मुंबई आते हैं हीरो हीरोइन बनने के लिए, बॉलीवुड में अपनी किस्मत को आजमाने के लिए। तो मैंने कैलकुलेशन किया, रोज के 200, महीने के 6,000, साल के 72,000, साल के 70-75 हजार लोग आते हैं, उनमें से कितना हीरो बनता है, कितना हीरोइन बनता है। लो एवरेज देखिए, आज देखिए हर गली मोहल्ले में क्रिकेट का कोचिंग क्लासेस खुल चुका है। माँ बाप को बोलते हैं ये ला के दो, वो ला के दो, बल्ला ला के दो, किट ला के, हजारों रुपए का खर्चा। माँ बाप को लगता है मेरा बेटा विराट कोहली बन जाएगा, रोहित शर्मा बन जाएगा। लाखों करोड़ों बच्चे विराट कोहली बनना चाहते, लेकिन विराट कोहली तो एक है। लो एवरेज देखिए, बहुत खतरनाक लो एवरेज है। उसकी कंपैरिजन में तो मारीचस बहुत अच्छा है, उसकी कंपैरिजन में नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा है कि हम लोग इतना ज्यादा फेलियर रेशियो को हम लोग फील नहीं करते, हम तो यहाँ पे बहुत आसानी से कामयाब हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि 200 लोग आए तो आपको, 100 लोग आए तो 200-250 पास आपको डालने चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या किया, पूरा उसका एक्सपेंस आपको काउंट करना है कि भाई हॉल बुकिंग का कितना खर्चा है, उसके बाद साउंड सिस्टम का कितना होगा, उसके बाद प्रोजेक्टर लैपटॉप अगर आप रेंट पे लेके आते हो तो उसका कितना होता है, उसके बाद पास का प्रिंट करने का कितना होगा, बैनर प्रिंट करने का कितना होगा, उसके बाद जो मेन स्पीकर आ रहे हैं, मेन लीडर आ रहे हैं, उनके लिए बुके हार लेके आएंगे आप, छोटा मोटा कोई 100-200 रुपए का गिफ्ट भी दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर बजट, आपका वहां पे पैसा बचता है कि नहीं, ठीक है। तो पूरा आपने खर्चा कैलकुलेट कर दिया, और उस खर्चे के हिसाब से आपने मान लीजिए कि देखा कि आपका जो है 10,000 रुपया एक्सपेंस यहाँ पे बैठ, तो 10,000 रुपया एक्सपेंस बैठ रहा है। अगर हम 50 रुपया टिकट रखेंगे तो हमारा कितना टिकट जाना चाहिए, 50 रुपया टिकट रखेंगे तो 200 टिकट जाना चाहिए। अगर 200 टिकट हमारा निकल गया 50 रुपए के हिसाब से, तो 10,000 रुपया कलेक्शन आएगा, सामने 10,000 रुपया खर्चा है, 500-1,000 रुपया आगे पीछे होता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो आप घर से जब निकलते हो तो वो जेब से 100-200 रुपया तो खर्चा होता ही, वो बड़ी बात नहीं है। तो इस तरीके से एक ऑर्गेनाइज किया जाता है। अच्छा कुछ लोग क्या बोलते हैं, सर हम लोग टिकट नहीं रखते। क्यों नहीं रखते सर, टिकट रखेंगे तो कोई आएगा नहीं, ये आपका भ्रम है। आप टिकट रखेंगे तो ज्यादा लोग आएंगे, ठीक है ना। टिकट रखिए, फ्री में आप जो भी चीज बांटोगे उसकी कोई वैल्यू नहीं है दुनिया। आप जो फ्री में मीटिंग सेमिनार करते हैं ना, उसमें लोग नहीं आएंगे, और आएंगे ना वो लोग आके सेमिनार में बीड़ी पिएंगे, उसको लाइटली लेंगे, कोई सीरियसली नहीं लेंगे। लेकिन जो अपनी जेब से 50 रुपया देकर उस मीटिंग में आएगा, वो आदमी सच में कुछ करना चाहता है। देखिए लोगों की कमी नहीं है हमारे देश में, हमें उनमें से फिल्टर करना है, जो लोग सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, ऐसे लोगों को हमें फिल्टर करना है। तो मान लीजिए कि मेरी 20 लोग की कमिटी है, मैंने 20 लोग को चुना कि ये 20 लोग है जिनको ही मैं टिकट दूंगा, उनकी टीम को वो लोग देंगे। तो अगर हमें 200 पास निकालने हैं और 20 लोगों की कमिटी है, तो एक व्यक्ति को हमें 10 टिकट की जिम्मेदारी उठानी है कि भाई हमको कम से कम 10 टिकट लेना है। आपको 10 टिकट लेना है, आपके पास 5 से 10 हार्टलाइन है, आपके पास 15 दिन का टाइम है, इस 15 दिन में आप होम मीटिंग करने वाले हैं, 1-to-1 मीटिंग करने वाले हैं, बहुत लोग को प्लान दिखाने वाले हैं। तो मेरे जेब में 10 टिकट आ गया अभी 15 दिन 20 दिन पहले, जब मीटिंग का 20 दिन बाकी तब से आ गया। लेकिन यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, फ्री में टिकट बांटना नहीं है,
फ्री में टिकट बांटना, सर अभी आप दे दीजिए, लोग देंगे तो हम आपको देंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस बात को आप याद रखिए, इस मीटिंग से थोड़ा हट के है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। माय रिचार्ज में अगर करोड़पति बनने के लिए आपका कोई सबसे बड़ा चैलेंज है तो वो है अपनी सोच को बढ़ाना, स्ट्रेच करना, अपनी सोच को स्ट्रेच करना, खींच के ऐसे बढ़ाना, सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर आपको भी 100 200 500 रुपया का टिकट लेने में डर लगता है तो अभी ये काम आपको खुद के ऊपर भी करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। आपको अपनी सोच को बड़ा करना और लोगों की सोच को बड़ा करना, ये दो काम अगर आप कर गए ना, बात खत्म हो गई। आपको इस बिजनेस में कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। एक बुक के अंदर लिखा है कि आपको कितना नॉलेज है, आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आप कितनी मेहनत करते हैं, आपको जिंदगी में कितने मौके मिलते हैं, आपको कितनी मदद मिलती है, उससे 10 गुना ज्यादा जरूरी है और 10 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण कोई चीज है, तो वो है आपके सोचने का तरीका। आपके सोचने का तरीका आपके जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप सोचते किस ढंग से। आपको शानदार अपॉर्चुनिटी मिली, आपको बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली माई रिचार्ज, शानदार प्लान मिला, मांगोल जैसा प्रोडक्ट मिला, बहुत ही बढ़िया अपलाइन मिला, सब कुछ मिला, उसके बाद भी आपका सोचने का ढंग अगर पॉजिटिव नहीं है, खुद के बारे में पॉजिटिव नहीं, सिस्टम के बारे में पॉजिटिव नहीं, तो आप इनमें से एक भी चीज का फायदा उठा नहीं। इसीलिए सोचने का तरीका हमको बदलना पड़ेगा। इफ यू वॉन्ट टू बी अ बिलियनर देन थिंक लाइक अ बिलियनर, इफ यू वॉन्ट टू बी अ मल्टी मिलियनर देन थिंक लाइक अ रिच पर्सन। कामयाब व्यक्ति की तरह सोचोगे तो कामयाब व्यक्ति की तरह जीवन के निर्माण को करोगे आप। सब कुछ सोच से शुरू होता है, जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारा एटीट्यूड क्रिएट होता है। पॉजिटिव सोच पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट करता है, नेगेटिव सोच नेगेटिव एटीट्यूड क्रिएट करता है। जैसा हमारा एटीट्यूड होगा ऐसी हमारी एक्सपेक्टेशन होगी। अगर मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड है खुद के प्रति तो मैं खुद से एक्सपेक्ट करूंगा कि मैं और अच्छा ट्रेनिंग लगाऊं, और अच्छा लीडर बनूं, और शानदार काम करूं, और ज्यादा पैसा कमाऊं, और अपने परिवार को अच्छा जिंदगी दूं। लेकिन अगर मेरा एटीट्यूड ही नेगेटिव है तो मैं बोलूंगा मैं क्या करूंगा यार, मैं क्या कमा लूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मेरी खुद से एक्सपेक्टेशन भी नेगेटिव होगी। तो हमारे विचार, हमारे अभिगम यानी कि हमारे एटीट्यूड को जन्म देते हैं। हमारा जैसा एटीट्यूड होता है ऐसी हमारी खुद से उम्मीदें होती है, और जैसे ही आप खुद से उम्मीदें करोगे वैसा ही काम आप करोगे। अगर मैं खुद से उम्मीद करता हूँ कि मेरी महीने की इनकम लाखों करोड़ रुपया होनी चाहिए तो मैं लाखों करोड़ों कमाने का काम करूंगा। अगर मैं खुद से उम्मीद करता हूँ कि मेरे को कोई 10-15 हजार की नौकरी दे दे तो मैं 15 हजार की नौकरी करूंगा। जैसे ही आप खुद से उम्मीद करोगे वैसा आप काम करोगे, और जैसा आप काम करोगे वैसा आपका जीवन बन जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे विचार हमारे एटीट्यूड को जन्म देते हैं, हमारे अभिगम को जन्म देते हैं, हमारे अभिगम खुद से उम्मीद जगाते हैं, हमारी उम्मीदें हमारे कार्य को निर्धारित करती है, और हमारे कार्य परिणाम के रूप में हमारे जीवन को निर्धारित करते हैं। तो हमारे विचार जो है वही हमारा जीवन बनाते हैं। मुझे एक व्यक्ति ने बहुत ही शानदार बात बताई थी। उसने मुझे कहा था कि दुनिया में कोई भी चीज महंगी नहीं है दोस्त। अगर आपको कोई भी चीज महंगी लगती है तो समझ लीजिए कि आपकी अब फाइनेंशियल कंडीशन कमजोर है। आप एक कपड़े की दुकान में जाते हैं, वहां पे जाके देखे दो प्रकार के लोग आए। एक व्यक्ति आके बोलता है यार ये तो बहुत महंगा है, मैं इसको नहीं ले सकता, बहुत महंगा है, 2,000 रुपए की टी शर्ट। दूसरा व्यक्ति आके बोलता है भाई थोड़ा अच्छा दिखाइए। बोला यही हमारे पास सबसे महंगा है। बोला इससे महंगा नहीं है आपके पास? बोला नहीं। बोला मजा नहीं है, मैं तो 5,000 की टी शर्ट पहनता हूँ, ये तो बहुत सस्ता है। तो अब वो टी शर्ट सस्ती है कि महंगी है? टी शर्ट ना सस्ती है ना महंगी है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका पॉकेट उसको अलाउ करता है कि नहीं। अगर आपका पॉकेट मजबूत है तो आपके लिए दुनिया की हर चीज सस्ती है। मर्सिडीज आपके लिए सस्ती है, फॉर्च्यूनर आपके लिए सस्ती है, 2 करोड़ का घर आपके लिए सस्ता है, सब कुछ सस्ता है अगर आपकी इनकम लाखों रुपया महीने है, और वो करने का मौका आपको मैरिज चल देता है। ठीक है, तो बिना पैसों के देखिए, अगर एक लीडर 5 टिकट भी उठाता है, चलिए 10 नहीं 5 टिकट उठाता है, 50 रुपए वाली, तो 250 रुपया। अब जब 250 रुपया देने का बात होता है तो कुछ लोग बोलते हैं सर 250 रुपया 250 रुपया। अब वही आदमी है ना, रोज 100 रुपए की सिगरेट पी जाता है, उधर उसको 250 रुपया बड़ा नहीं लगता। तो ये प्रॉब्लम सोच का है, ये प्रॉब्लम सोच का है। पिज्जा खाने जाएंगे तो हम लोग 500 1,000 रुपया नहीं देखते, 500 600 रुपए का पिज्जा आता है, 500 रुपए का 600 रुपए का 1,000 रुपए का पिज्जा आता है। लेकिन किसी मंदिर में मस्जिद में जाके 10 रुपया डोनेट करने के लिए 3 बार चेक करेंगे, 10 ही है ना, 2 नोट तो नहीं है, 20 तो नहीं है, ऐसे करके पूरा आधा तोड़ देंगे फिर डालें। ये प्रॉब्लम सोच का है, पैसों का नहीं है।
ठीक है ना, तो बिना पैसों के टिकट नहीं देंगे। अब क्या हुआ कि मेरे पास 15 दिन का टाइम है, मेरे पास 5 टिकट है, और इस 15 दिन में मैं रोज अगर एक या दो प्लान दिखाता तो मैं 20, 25, 30 लोग को तो प्लान दिखाने वाला हूँ। उसमें जो लोग जुड़ते हैं उनको मैंने टिकट दे दिया कि सर आप इस परिवार का हिस्सा बन रहे हैं, तो मैं आपको एक शानदार इवेंट में इनवाइट करना चाहता हूँ, जहाँ पे जितना भी मैंने आपको पेपर पे दिखाया ना कि सर आप यहाँ पे रॉयल्टी मिलेगा, ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, वो मैं ऐसे लोगों को आपको प्रैक्टिकली मिलाना चाहता हूँ जो इस सिस्टम से सब कुछ ले चुके हैं। एक बहुत ही शानदार मीटिंग होने वाला है, आप इस मीटिंग में जरूर आइए। और आप जो 2,000 रुपया दे रहे हैं, 2,500 रुपया दे रहे हैं, मांगोल के साथ और भी प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो साथ में 50 रुपया और दीजिए, क्योंकि ये टिकट सबके लिए नहीं, ये सिलेक्टेड लोगों के लिए। ऐसा करके आपने, अच्छा टिकट भी किसी को फ्री में नहीं देना। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो किसी भी व्यक्ति से पैसा नहीं लेते, बोला सर मुझे 10 टिकट दे दीजिए, मैं किसी से पैसा नहीं लूंगा, मैं उसको फ्री में दूंगा। ये दिमाग मत लगाइए, इसका कोई फायदा नहीं है, इसका नुकसान है। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी के लिए, अपने परिवार के लिए 50 रुपया नहीं निकाल सकता, आप उसके लिए 50 रुपया निकालोगे, उसका कोई मतलब ही नहीं, कोई फायदा ही नहीं, वो आएगा ही नहीं मीटिंग। 10 लोगों ने बोला कि हाँ मैं मीटिंग में आऊंगा, टिकट नहीं खरीदा, उनमें से 2 या 3 लोग मीटिंग तक पहुंचे, लेकिन 10 लोग जिन्होंने टिकट खरीदा है उनमें से 7 या 8 लोग टिकट वो मीटिंग तक पहुंचेंगे, क्योंकि वो जो 50 रुपया उन्होंने दिया है ना, वो 50 रुपया उनको मीटिंग तक लेके आएगा। अच्छा कुछ लोग बोलते सर 20 रुपये टिकट रखे थे, अरे आजकल 20 रुपये का क्या आता है, चाय आती है 20 रुपये की, आप जानबूझ के अपने बिजनेस की वैल्यू खत्म कर रहे हैं। 20 रुपया टिकट रखना, 30 रुपया ठीक है आप रख भी सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि आज अगर हम कोई छोटा सा छोटा बच्चे के लिए खिलौना भी लेने जाते हैं तो 200, 300, 400 रुपये का खिलौना आता है। आज हम एक छोटा सा छोटा मान लीजिए टी शर्ट भी खरीदने जाते हैं तो आज के जमाने में 100 रुपये में कोई टी शर्ट नहीं आती, ठीक है ना, 100 रुपये में कुछ नहीं आता है। आप अच्छा पेन खरीदने जाते हैं ना तो वो 150, 200 रुपये का आता है, हर चीज महंगी हो चुकी है। आप अपने परिवार के साथ आइसक्रीम खाने जाओगे तो 500 का नोट आपको दिखने ढूंढने से भी नहीं मिलेगा आपको, तो 50 रुपये कोई बड़ी चीज नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप इसको प्रमोट करते हैं अच्छे से, उसके बाद क्या करना है, पहले से प्लान होना चाहिए कि भाई इस सेमिनार में प्लान कौन दिखाएगा, इस सेमिनार में होस्टिंग कौन करेगा, इस सेमिनार पे जैसे मैंने आपको कमिटी बोला ना, प्रिंटिंग कमिटी, बुक का काम है प्रिंट कराना, एक हो गया बुक है और ये सब ऑर्गेनाइज करेगा वो कमेटी, एक हो गया स्टेज कमेटी, वो स्टेज पे सब कुछ देखेगा कि स्टेज पे कोई चला ना जाए, स्टेज पे जाने से लोगों को रोके, ध्यान रखे। फिर एक हो गया आपका साउंड सिस्टम कमेटी, एक हो गया प्रोजेक्टर लैपटॉप कमेटी, एक हो गया आपका एंट्री गेट कमेटी, भी एंट्री गेट पे कौन खड़ा रहेगा, लोग आएंगे टिकट तो चेक करना पड़ेगा ना, कुछ लोग बिना टिकट के आ जाएंगे, फिर वो गैंग बन जाता है। अच्छा कुछ लोग इतने समझदार होते हैं, समझदारी का देखिए ये आइडिया में ले लेना, अभी ये जो बात बता रहा हूँ कुछ लोग यहाँ से आइडिया उठा लेंगे, बोलो क्या करते हैं जैसे सेमिनार 10 बजे है ना, वो 11 बजे जाते हैं, क्योंकि 10 बजे एंट्री स्टार्ट होता है, 10:30 बजे सब लोग एंटर करके, फिर वो टिकट चेक करने वाला भी सेमिनार में बैठ जाता है, तो 11 बजे बिना टिकट के चले जाते, अब उनको आदत हो गई, बोला सेमिनार में हर बार 11 बजे जाओ बिना टिकट के जाओ, और ये आदत ने उनको गरीब बना दिया, मानसिक रूप से गरीब बना दिया। तो ये आदत आपको सीखने की जरूरत नहीं, ठीक है, तो एंट्री गेट पे कौन रहेगा, ये सब कुछ पहले से प्लान होना चाहिए। आप इस तरीके से अगर सेमिनार को ऑर्गेनाइज करेंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से होगा। के बाद सेमिनार को लेके कुछ कुछ मेरे अपने विचार है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सेमिनार जो है वो 2 से 2.5 घंटे का होना चाहिए, पूरे दिन का ना करें, पूरे दिन का होता है कंपनी का इवेंट, बड़ा इवेंट जहाँ पे हमारे टॉप लीडर्स आते हैं, हमारे एमडी सर आते हैं, क्योंकि उसमें हमें बहुत लोगों को मिलना होता है, उसके बहुत से पर्पस होते हैं, उसमें हमारा पर्पस कोई नए लोगों को जोड़ना नहीं होता है, वो एक गेट टुगेदर टाइप का सिस्टम होता है जहाँ पे हम एमडी सर को सुनते भी है, सर को 45-50 मिनट तक हम सुनते हैं, और लीडर्स को सुनते हैं, वहां पे हम सम्मानित करते हैं, बहुत से लोगों को भी सुनते हैं हम लोग। लेकिन जो आप लोकल लेवल पे सेमिनार करते हैं ना, वो आप कीजिए 2.5 घंटे का, उससे लंबा मत कीजिए। अगर आप नए लोगों को सेमिनार में बुला रहे हैं, उनको 5-5, 6-6 घंटे बिठा रहे हैं ना, तो फिर आपको उनको कुछ खाना भी देना पड़ेगा, फिर आपका सेमिनार का कॉस्टिंग और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सेमिनार आपने 10 बजे का टाइम है, 10 बजे शुरू किया, 12:30, 1 बजे खत्म, मतलब वो आदमी और कोई काम भी कर सकता है, ठीक है। उसने बोला मीटिंग में आना कितने बजे शुरू होगा, बोला 10 बजे, खत्म कितने बजे होगा, 12-1 बजे, ठीक है मैं आऊंगा, दोपहर के बाद एक काम में मैं उधर भी चला जाऊंगा। लेकिन आपको लोगों को बोला सुबह से शाम तक तो बहुत लोग आएगा नहीं, बोला यार फिर संडे एक ही है, मुझे घूमने भी जाना है, परिवार को लेके पिक्चर देखने भी जाना है, ये है वो है, तो बहुत लोग आएगा नहीं, तो सेमिनार कीजिए 2 से 2.5 घंटे। दूसरी बात, सेमिनार को हमेशा टाइम पे शुरू कीजिए, मान लीजिए 10 बजे का मीटिंग है, पहली बार आपने 200 लोग का प्लान किया था,
ठीक है 10:30 बजे कीजिए, लेकिन 11:30 बजे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 10 बजे का मीटिंग 11:30 बजे शुरू कर रहे हैं ना, तो जो लोग टाइम पे आया था ना वो कसम खा लेते हैं कि अगली बार मैं 11:30 बजे आऊंगा, 10 बजे आऊंगा ही। नुकसान किसको है, जो बेचारा टाइम पे आया, आप उसको भी सिखा रहे हो कि देखो तुम टाइम पे आए ना, गलती कर दिया, अगली बार 1.5 घंटा लेट आना। फिर सबको आदत पड़ जाती है, फिर लीडर भी सब 1.5 घंटा लेट आता है, क्यों सर हमारे यहाँ पे लोग लेट आते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप एक सिस्टम डाल दीजिए कि भाई 10 बजे मीटिंग है, 10:05 पे एंट्री स्टार्ट हो गया, 10:15 पे हॉल स्टेज पे चढ़ गया, 10:30 बजे से मीटिंग स्टार्ट हो गया, तो जो लोग लेट आएगा ना वो क्या सोचेगा, अगली बार हम 15 मिनट पहले आ जाए। तो एक दो मीटिंग आपका थोड़ा खराब होगा, कोई बात नहीं, लेकिन लोगों को एक आदत पड़ जाएगी कि भाई यहाँ पे मीटिंग जो है वो एकदम शुरू होता है टाइम पे, अगर हम लेट जाएंगे तो आगे बैठने की जगह नहीं मिलेगी हमको। ठीक है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। होस्टिंग जो करेगा, होस्टिंग के भी स्टेप है, उसके बाद प्लान भी, जो सेमिनार हम वहां पे दिखाते हैं उसका पीपीटी भी कंपनी ने दिया हुआ है आपको, हर लैंग्वेज में है, बांग्ला में है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, आपको अपना लैंग्वेज में चाहिए तो उसके बारे में भी हम लोग कुछ प्लान कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, आजकल इतना हिंदी इंग्लिश तो हर कोई समझता है। तो वहां पे प्लान प्रेजेंटेशन हुआ, उसके बाद स्पीच होता है बोलने का, ठीक है ना। सेमिनार का फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले होस्ट स्टेज पे जाता है, वो 5 से 10 मिनट में माहौल बनाता है, ठीक है, लोगों को थोड़ा एंटरटेन करता है, सब ताली बजाएंगे, खड़े हो गए, कोई म्यूजिक बजेगा, डांस होगा, उसके बाद वो सीधा आ जाता है पर्पस ऑफ मीटिंग पे, आज हम लोग इकट्ठा क्यों हुए। आज हम लोग इसीलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि आज एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी आप देखने वाले हैं, आज आपको जीवन में ऐसा मौका दिखाने वाले हैं जिस मौके को देखने के बाद आप अपने भगवान से, खुदा से कभी कंप्लेन नहीं करोगे कि तूने मुझे जिंदगी में मौका नहीं दिया। आज एक ऐसा मौका जहां पे मेहनत करके अगले 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में आप अपने परिवार को दुनिया की हर खुशी दे सकते हैं जिनके वो हकदार है, आप अपने जीवन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं, आप आम व्यक्ति से खास व्यक्ति बन सकते हैं, तो क्या ऐसा मौका देखने के लिए आप लोग तैयार है। तो वो क्या करता है, जो नए लोग आए ना उनके दिमाग में एक भूमिका बांध, एक इमेज क्रिएट करता है कि आज का मीटिंग क्यों हो रहा है, अच्छा ये लोग कोई मौका दिखाने वाले, कोई बिजनेस दिखाने वाले, बहुत ही बड़ा बिजनेस है, शानदार है, जिंदगी बदल जाएगी, पैसा मिलेगा, क्या बात है, तो उनका दिमाग का शटर खुल जाता है, फिर वो ऐसे करके बैठ, उसके बाद बोलेगा कि दोस्तों इस मौके को देखने से पहले कुछ कुछ चीजों का हमको ध्यान रखना है। तो पहला हो गया मीटिंग स्टार्ट, पब्लिक इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, पब्लिक इन्वॉल्वमेंट में भी क्या होता है कि वो 5-10 मिनट का टाइम है, जैसे कोई गाना बजा, डांस हुआ, फिर बोलेगा कि भाई कितने आज हमारे साथी स्टूडेंट है, एक बार स्टूडेंट खड़े हो जाइए, स्टूडेंट्स के लिए जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए, भारत देश का भविष्य स्टूडेंट, तो उनके लिए ताली बजा, तो लोग सोच रहे हैं क्या बात है हमारे लिए ताली बजा रहे, वाह अच्छा मजा आ रहा है। चलिए कितने जॉब पर्सन है, मेरे साथी कितने यहाँ पे जॉब करते हैं, मेरे भाई बहन कितने जॉब करते हैं, तो जॉब पर्सन खड़े हो गए उनके लिए ताली बजाओ, तो उनको भी अच्छा लगा। कितने ऐसे लोग हैं जिनको खुद के विश्वास है, जो बिजनेस करते हैं, वो लोग एक बार खड़े हो जाए, उनके लिए ताली बजा दिया। अच्छा कितने ऐसे दोस्त है हमारे जो मतलब धरती पुत्र है, जो अनाज उगाते हैं, फार्मर, अगर कोई फार्मर है तो खड़ा हो जाए, तो वो भी ताली बजाएगा। फिर बोलेंगे दोस्तों यहाँ से 50 किलोमीटर दूर से कौन आया, सर कहाँ से आए, हावड़ा से आए, क्या बात है हावड़ा से, इनके लिए क्लैपिंग कर दिए, 100 किलोमीटर दूर से कोई आया, 150 किलोमीटर दूर से, 500 किलोमीटर दूर से, तो कोई 500 किलोमीटर दूर से गया होगा मीटिंग में, तो जो आसपास है वो सोचेंगे क्या बात है यार, इस मीटिंग में तो बिजनेसमैन भी है, नौकरी करने वाला भी है, स्टूडेंट भी है, पढ़ा लिखा भी है, फार्मर भी है, लोग 500 किलोमीटर दूर से, तो बड़ा शानदार मीटिंग हो रहा है। तो ये होता है पहला पब्लिक इन्वॉल्वमेंट, फिर पर्पस ऑफ मीटिंग के हम लोग क्यों इकट्ठा हुए, फिर तीसरा होता है इंस्ट्रक्शन कि दोस्तों आज का जो मीटिंग, आज जो व्यक्ति आपको ये कंसेप्ट दिखाने वाले हैं वो बहुत ही जबरदस्त व्यक्ति है और वो कंसेप्ट बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोग जब पिक्चर देखने जाते हैं तो 3 घंटा वहां पे बैठते हैं और 3 घंटे में हम लोग खड़े नहीं होते, तो हमारा मीटिंग को 3 घंटा नहीं चलेगा, आपको 20 से 30 मिनट में ये दुनिया की सबसे शानदार अपॉर्चुनिटी बताने वाले हैं जिसने हिंदुस्तान में लोगों की जिंदगी बदली है। 20 से 30 मिनट आप पूरा यहाँ से ध्यान से बैठिए, आप आपस में बातें ना करें, आप अपने फोन को साइलेंट मोड पे या स्विच ऑफ मोड पे रखें, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप बीच में ना पूछे, जो व्यक्ति आपको इस मीटिंग में लेके आया है, इस मीटिंग को खत्म होने के बाद हम उनसे भी मिलेंगे और आपसे भी मिलेंगे, और आपका कोई भी सवाल है आप उनसे पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट्स को हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो दोस्तों अब मैं उस व्यक्ति को बुलाने वाला हूँ, अब जो प्लान दिखाने वाला है ना उसके बारे में बताया जाए, एक जबरदस्त व्यक्ति है, एक जबरदस्त लीडर है, वो जब स्टेज पे आते हैं तो तूफान खड़ा हो जाता है, ऐसे करके उनका कॉलिंग किया गया, उनको छोटा एक बुके दिया और फिर प्लान प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गया। ये होता है सेमिनार का फॉर्मेट। जैसे प्लान खत्म हुआ उसके बाद 2 या 3 लोगों को प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल के लिए बुला सकते हैं, लेकिन उनको पहले से बताना है कि भाई आप किस प्रोडक्ट पे बोलोगे, उनको चेक करना है कितना बोलोगे। कई बार कुछ लोग ना मोटिवेट हो जाते हैं तो फिर माइक नहीं छोड़ते,
तो वो पूरा मीटिंग खराब कर दिया। सब कुछ शानदार चल रहा था, एक टेस्टिमोनियल वाला आके 20 मिनट बोल गया, 30 मिनट बोल गया। अरे लोगों को थोड़े इतना समझ में आता है, आप कितना भी अच्छा प्लान दिखाओ, कितना भी अच्छा करो, लोग सिर्फ एक फीलिंग लेके जाते हैं, उनको कुछ ज्यादा समझ नहीं आता है। इसीलिए सेमिनार का जो प्लान है ना, वो हार्डली 25 से 30 मिनट का होना चाहिए। जितने भी लोग सेमिनार में प्लान दिखाते हैं, उनको मेरा एक ही मैसेज है, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, आप कितना भी दिखाओ, जो पहली बार बैठा है उसको ज्यादा समझ में आने वाला नहीं है, तो आप बहुत डिटेल में ना जाए। उसको तो बीवी भी पता नहीं है कि बीवी यानी बिजनेस वॉल्यूम, वो तो कोई दूसरा बीवी सोच रहा है, ठीक है। उसको डीपी पता नहीं है, बीवी पता नहीं है, उसको सफाई डायरेक्टर वर्ड जिंदगी में पहली बार सुना है उसने। तो उसको खाली एक हमको मतलब सेमिनार का जो प्लान है उसको एक फीलिंग देना है कि भाई ये एक मौका है जहां से ऐसा ऐसा हो सकता है, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 2 या 3 लोग का टेस्टिमोनियल हो गया, उसके बाद जो होस्ट है वो उन लोग को बुलाना चाहेगा कि भाई मैं सबसे पहले उन लोगों को अपनी जगह पे खड़ा होने के लिए कहूंगा जिन लोगों ने ऑलरेडी इस सिस्टम के साथ शुरुआत कर दी है, जो इस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, जिन्होंने एक भी प्रोडक्ट यूज किया वो अपना जगह पे खड़ा हो गया, तो उस सेमिनार में बहुत लोग खड़ा हो जाएंगे। तो नया आदमी सोचेगा क्या बात है, ये सब लोग तो ऑलरेडी कर रहा है यार, ये तो करने देता है, बहुत अच्छा बिजनेस है, ठीक है। फिर अब वो लोग को स्टेज पे बुलाएंगा जो लोग इस कंपनी से सिल्वर डायरेक्टर बन चुका है, ये लोग रॉयल्टी, आपको प्लान में दिखाया गया था ना कि रॉयल्टी मिलेगा, ये लोग ऑलरेडी रॉयल्टी। तो आप पूरे सेमिनार में जो है आप 12-15 लोग की स्पीच रख सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपके सेमिनार में कितने रॉयल्टी होल्डर आते हैं, उस हिसाब से रैंक वाइज आप स्पीच रख सकते हैं। अगर आपके सेमिनार में 50 रॉयल्टी होल्डर आते हैं, फिर 50 लोग वहां पे बोलेंगे, तो 1.5 घंटा 2 घंटा वो चलेगा, फिर पूरा मीटिंग खराब हो जाएगा। देखिए हम लोग चाय बनाते हैं ना, उसमें शुगर बहुत ज्यादा जरूरी है, चाय पत्ती भी जरूरी है, लेकिन आप जहां पे 1 कप में 1 या 1.5 स्पून शुगर डालोगे, उसके बदले 1.5 किलो डाल दोगे तो क्या होगा, वो चाय नहीं बनेगा, दुनिया का कोई नया आविष्कार बन जाएगा। कई बार हम लोग ऐसा करते, अरे नया आदमी अब रेडी हो गया, अब वो ज्वाइन करना चाहता है, अब वो माइंडसेट हो गया कि चलो भाई बहुत अच्छा कंपनी है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, टेस्टिमोनियल भी सुन लिया, चलो आप मुझे शुरू करना है, हम उसको और मोटिवेट कर, बोला मैं मोटिवेट हो गया, नहीं और एक आदमी को सुन लो, और एक को सुन लो, और एक को सुन लो, और एक को सुन लो, 50 लोग आके बोलता है, वो आदमी ऐसे घड़ी में देखता है, बोला जिंदगी में आज के बाद कोई सेमिनार में नहीं जाऊ, ठीक है। अरे इतना समझाया आपको, यही तो प्रॉब्लम है, इतना समझाया आपको, पता है साइंस ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति का जो दिमाग है ना, किसी भी व्यक्ति का दिमाग, वो 45 मिनट के बाद लेना बंद कर देता है। इसीलिए कॉलेज में जो लेक्चर होता है वो 45 मिनट का होता है, स्कूल में जो लेक्चर होता है वो 30 मिनट का होता है, 30 मिनट के बाद टीचर बदल जाता है, सब्जेक्ट बदल जाता है, दिमाग फिर रेडी हो जाता है, चलो दो दूसरा है कोई, ठीक है इसका बात सुन ली, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखें, ये साइंटिस्ट की इज्जत करें हम लोग, कि ये जो इतना साइंस का स्टडी करके बोल रहे हैं ना वो सही है। तो हमारा सेमिनार बहुत लंबा नहीं चलना चाहिए, लास्ट में जो मेन स्पीकर है, आपके जो मेन लीडर है, उनको 15-20 मिनट का टाइम देना चाहिए, तो वो अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताए, कैसे उनकी जिंदगी में माइलस्टोन आया और कैसे उन्होंने शुरुआत की, क्या क्या चैलेंज है, उनको टॉपिक कवर करना चाहिए कि भाई मुझे भी लग रहा था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मुझे भी लग रहा था कि मैं प्रोडक्ट बेच पाऊंगा या नहीं, मुझे भी लग रहा था कि मैं बोल पाऊंगा कि नहीं, आपको भी लगेगा, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि यार इतने पैसे सच में आते हैं, लेकिन दोस्तों सच में आते हैं पैसे, ऐसे करके जब वो लोगों के दिमाग में जो डाउट है ना, वही सारे टॉपिक पे वो बात करेंगे, ठीक है। और शानदार तरीके से आप मीटिंग को क्लोज कर सकते हो। लास्ट में जो है वहीं पे लोग फिर अपना अपना, सर ये मेरा 2 लोग आए हैं, आप थोड़ा मिल लीजिए, वहीं पे पूछ लीजिए, बोलिए सर कैसा लगा, कब शुरुआत कर रहे हैं, स्मार्ट कंज्यूमर से कर रहे हैं कि डायमंड क्लब से कर रहे हैं, ये पर्पज होना चाहिए सेमिनार। अगर इस तरीके से करेंगे तो बहुत शानदार तरीके से सेमिनार होगा। मैंने पहले से नहीं बोला है ब्रोजन सरकार सर को, लेकिन मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे बीच में आए, क्योंकि ये प्लानिंग हमने इस टीम के साथ शेयर किया था कुछ 1 महीने पहले, और उन्होंने इस तरीके से मीटिंग करना स्टार्ट किया है। तो सर आपने ये जो हमने प्लान किया था, कमिटी बनाया, आपकी कमिटी में कितने लोग हैं सर? सर कमिटी में 7 7 लोग हैं सर। 7 लोग हैं ना आपकी कमिटी में, वेरी गुड। तो आप पहले पहले भी, तो आप मतलब हमने जो ये प्लानिंग किया था आपके साथ कोलकाता में प्रोग्रेसिव हॉल में, उससे पहले भी आप सेमिनार करते थे ना, वीकली हाँ मीटिंग करते, करते थे सर, उसमें करते थे कितने लोग सर। आते थे सर? 60 मतलब हमने जो प्लानिंग किया उससे पहले जो आप मीटिंग करते थे, जो वीकली बेस पे करते थे, उसमें कितने सिक्सटी लोग? सेवेंटी होता था सर और आपने उसको। प्लानिंग किया उसके बाद कितने लोग आए सर आपके?
लास्ट जो सेमिनार किया था वो 100+ हुआ था सर। 100+, मतलब 105, 110। अच्छा, और पास का प्रमोशन भी ज्यादा हुआ। यस सर। अच्छा, और आपको क्या एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि ये जितनी चीजें आज मैंने यहाँ पे सिखाई है ना, वो आपने प्रैक्टिकली की है सर, तो आपका क्या अनुभव रहा इस लाइन के साथ? बहुत बहुत चेंजेज आया सर, माइंडसेट में भी चेंजेज आया और जो लीडर है वो भी बहुत एक्टिव हो गया अभी। और आप जो सिस्टम बताए वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं और बहुत एनर्जेटिक लग रहे हैं टीम को अभी सर। अच्छा, और सर आपका मीटिंग जो लास्ट आपने बोला कि 100+ लोग आया था, वो मीटिंग कितना टाइम चला था, कितने घंटे मीटिंग चला टोटल? हम लोग तो सर 11 बजे शुरू किया था और 2:30 बजे, ढाई बजे ढाई मतलब तीन साढ़े तीन बजे घंटे हाँ 3.5 घंटे आसपास चला। तो अभी आपने तो प्लानिंग के बाद एक ही बार मीटिंग किया है ना, तो अभी आपको क्या लगता है कि आप इसी तरीके से अगर इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप कितना गैदरिंग तक पहुंच जाएंगे, आपको क्या लगता है? 500 500 तो होगा मिनिमम सर, होगा? ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सर, 500 थैंक होगा। यू सर हमारे बीच आने के लिए और अपना अनुभव यहाँ पे रखने के लिए, थैंक यू वेरी मच। एक बार रोजन सर के लिए हम लोग जबरदस्त क्लैपिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो 90 लोगों का 60 लोग का जो मीटिंग होता था, 60 लोगों का, वो सीधा हो गया 100+। तो आप परसेंटेज वाइज अगर देखोगे तो यहाँ पे 40 मतलब ऑलमोस्ट आप डबल के आसपास गैदरिंग हो गया। ठीक है, अब यहाँ से डबल करेगा तो वो 200+ हो जाएगा, वहां से डबल करेगा तो 400-500+ हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से इन्होंने कमिटी बनाई और पास प्रिंटिंग कमिटी अलग से, ये अलग, ये सब कुछ करके इन्होंने बहुत अच्छे से प्लानिंग किया। और ये जो प्लानिंग मैं आज आपको बताया है, इसको पूरी तरीके से इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर रोजन सर उनका टीम कर सकता है तो हम लोग भी कर सकते हैं और शानदार तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमको करना है जब आप इवेंट को प्लान करते हैं ना, इसी तरीके से आप लोग ट्रेनिंग सेमिनार को भी प्लान कर सकते हैं कि भाई चलो ट्रेनिंग है, हमें इतने लोग इस ट्रेनिंग में हमारे आने चाहिए तो इतने पास होने चाहिए, तो हमने छोटे छोटे लीडर्स को उनको बिठा के उनकी टीम के साथ बिठा के पास का प्रमोशन किया। पास प्रमोशन में कुछ लोग क्या करते हैं कि सर लोग पास नहीं लेते। देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, किसी को पास लेने में इंटरेस्ट नहीं है, किसी को मीटिंग में आने में इंटरेस्ट नहीं, किसी को आपको मिलने में भी इंटरेस्ट नहीं, किसी को आपका प्लान देखने में भी इंटरेस्ट नहीं है, किसी को आपके साथ ज्वाइन करने में इंटरेस्ट नहीं, किसी को नेटवर्क मार्केटिंग में इंटरेस्ट नहीं, सबको अपने फायदे में इंटरेस्ट। अगर हम उनको उनका फायदा इसमें है ये बता दिया तो वो पास भी लेगा, मीटिंग में भी आएगा, ट्रेनिंग में भी आएगा, नेटवर्क मार्केटिंग भी करेगा, सब कुछ करेगा। तो आप किसी को बोले ये पास ले लो, पास ले लो, पास ले लो, उससे कुछ नहीं होता है। वो पास लेने से क्या फायदा है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पे एक टूल है, एक एक हथियार है जिसको हमें जरूर डिस्कस करना चाहिए, उसको बोलते हैं पावर ऑफ आइडेंटिफिकेशन। जैसे होता है ना पावर ऑफ सिस्टम, पावर ऑफ अपलाइन, पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ ट्रूथ, पावर ऑफ गॉड, ऐसे होता है पावर ऑफ आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है इसको मैं एक एग्जाम्पल से बताऊंगा। जैसे मान लीजिए मैंने किशोर जी को बोला, किशोर जी आपने 12th फेल मूवी देखी? तो किशोर जी ने बोला सर नहीं देखी। अच्छा, देख लीजिए एक बार सर, अच्छी मूवी। अच्छा ऐसा है सर, ठीक है सर, मैं टाइम मिलेगा तो देख लूंगा। फिर किशोर जी भूल गए, वो मीटिंग में प्लान में बिजी हो गए। लेकिन वहीं पे मैंने बोला किशोर जी आपने 12th फेल मूवी देखी क्या? नहीं सर। नहीं देखी आपने? नहीं। क्या बात कर रहे हैं सर? बोला सर क्या हो गया सर? अरे सर इतिहास की शानदार मूवी, जिसने ये नहीं देखा उसने कुछ भी नहीं देखा, क्या मूवी है सर। तो किशोर जी बोले कि सर कहाँ पे चल रहा है, थिएटर में है कि किसी ओटीटी पे? मैंने बोला सर थिएटर में। ठीक है सर मैं आज ही देख, जब तक पिक्चर नहीं देखेगा ना उसका दिमाग में वो चीज भूल, इसको बोलते हैं एडिक्टिव। अगर हम बोलेंगे कि यार देखो मेरे अपलाइन ने मुझे 5 टिकट दिया है, तुमको एक तो लेना पड़ेगा वरना ये 4 का पैसा मुझे देना पड़ेगा, तो अगला आदमी सोचेगा यार तुम अपना टिकट बेचने के लिए मुझसे 50 रुपया ले रहे हो। आप उसको बोलिए भाई जबरदस्त खुशखबरी है, शानदार सेमिनार होने वाला है, गजब सेमिनार होने वाला है और इतना जबरदस्त होने वाला है, सारे टिकट बिक गए, बहुत कम लोगों को टिकट मिलने वाले हैं, मेरे पास एक टिकट है और 5 लोग का फोन आ रहा है, मैं बड़ा परेशान हूँ किसको टिकट दूँ। तो आपके सामने जो है ना वो बोलता है सर वो 5 को आप छोड़ो, मुझे टिकट दे दो, मुझे पहले दो, बाकी सबका बाद में, और मुझे एक नहीं 2 टिकट दो, मैं अपने एक दोस्त को भी लेके। तो आप चीजों को किस प्रकार से रखते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ना एक बहुत ही शानदार चीज होती है, एड वैल्यू टू व्हाट एवर यू डू।
आपके हाथ में जो भी चीज आती है उसकी कीमत बढ़ा दीजिए। ये बहुत ही शानदार टॉपिक है, इसको आप याद रखिए, आज की मीटिंग का ये सबसे वाइटल टॉपिक आपके मान सकते हैं। आपके हाथ में कोई किताब आई तो बोलिए कि भाई साहब ये किताब क्या, आपको पता है ये माई रिचार्ज कंपनी का प्लान का किताब है, अगर आप इसको पढ़ लेंगे ना आपका जिंदगी बदल। आपके हाथ में कोई पास है, भाई साहब ये टिकट क्या है पता है, ये एक सेमिनार का टिकट है, अगर आपकी किस्मत है और आप सेमिनार में आ गए ना आपकी जिंदगी बदल सकती है, इतना शानदार सेमिनार होगा। आप किसी को प्लान भी बताए, आपको पता है मैं आपको जो प्लान दिखाने वाला क्या जबरदस्त प्लान, इस प्लान से लाखों लोग आगे बढ़े, आप भी बढ़ सकते। जो भी चीज आपके हाथ में आता है, चाहे वो कोई बुक हो, चाहे वो कोई सेमिनार का टिकट हो, चाहे वो कोई बिजनेस प्लान आप दिखा रहे हैं किसी को, प्लान का बुकलेट हो, कुछ भी हो, किसी एक व्यक्ति से बात भी कराना है, भाई साहब आपको पता है किसका फोन है, अगर इस व्यक्ति से आपने बात कर लिया ना आप लीडर बन जाएंगे, लोग बात कीजिए। जो भी चीज व्हाटएवर इज इन योर हैंड यू जस्ट एड वैल्यू, जो भी चीज आपके हाथ में आते हैं आप उसका वैल्यू बढ़ा दीजिए। अगर ये काम आप सीख गए ना आप माई रिचार्ज में 9 करोड़ रुपया कमा लेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति माई रिचार्ज में 9 करोड़ रुपया कमाया है वो इस काम को लगातार करता है, जिसका नाम है वासुदेव घोष। जो भी चीज उसके पास आता है ना उसकी वैल्यू बढ़ा दे, जो भी चीज वासुदेव घोष से गुजरता है उस चीज की वैल्यू बढ़ जाए। तो आपको भी वासुदेव घोष बनना है तो बन सकते हैं, बस आपको एक फायदा होगा, 9 करोड़ रुपया पैसा मिलेगा। अगर आपको ऐसा लीडर बनना है, आपको उस मुकाम पे पहुंचना है, तो आप इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों समय हो चुका है और कुछ छोटी छोटी बातें हमने डिस्कस की, लेकिन मैं बहुत सारे टॉपिक पे नहीं जाना चाहता था, मैं चाहता था कि उस टॉपिक पे हम लोग इम्प्लीमेंट करें, सीखे, और इस मीटिंग के बाद आप कुछ ना कुछ प्लान करें अपनी टीम के लिए, कोई सेमिनार प्लान करें, कुछ ना कुछ प्लान करें। और इसको और ये भी सुन लीजिए, आप शुरू शुरू में सारे प्रॉब्लम हो गए, पहले 5 सेमिनार में आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम पता चलेंगे, लेकिन वो प्रॉब्लम पता चल गया ना वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, फिर उसको अगले मीटिंग में आप धीरे धीरे करके सोल्व करके फिर और बढ़िया होते जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि बीएन सरकार सर की टीम 6 महीने में नहीं, अगले लगभग 2.5 से 3 महीने में 500 लोग का सेमिनार कर देगी, क्योंकि उन्होंने करना शुरू कर दिया है, ठीक है ना। तो जो करना शुरू कर देता है वो आगे बढ़ जाता है, 1000 मीलों का सफर भी एक कदम से होता है, ठीक है। तो मिलते हैं कल सुबह 6:30 बजे, जो सीखेगा वो जीतेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट, माई रिचार्ज इज द बेस्ट, जय माई रिचार्ज, जय आयुर्वेदा, जय हिंद।